Thanks to Archana Kochar, her beautiful garment. So, and it's a beautiful cause. Thanks to Dr. Murarka. तो वो खुशी दिख ही रही है चेहरे पे. आज का इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये जानना चाहिए. बहुत ही अलग, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि नॉर्मली जब हम आर्टिस्ट एक्टर्स एक रैंप पे वॉक करते हैं एज अ शो स्टॉपर, तो एक प्योरली एक डिज़ाइनर के लिए करते हैं, क्योंकि वी बिलीव इन द क्लोथ्स, या हम लोग यू नो उनसे दोस्ती होती है, या वो हमें उनको महसूस होता है कि शायद हम उनके गारमेंट को खूबसूरत दिखाएंगे, सो दे चूज एज अ शो स्टॉपर. लेकिन एक अच्छे कॉज को हम हमारी स्किल, जैसे अर्चना जी जुड़ी है क्योंकि शी फील्स दैट शी कैन शो हर स्किल एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एज अ ब्यूटिफुल यू नो डिज़ाइनर ऑफ क्लोथ्स, इन दिस वे टू प्रमोट एंड रेज मनी फॉर समथिंग सच अ गुड कॉज. सेम वे अगर एक एक्टर अपने स्किल्स को यूज़ करके एक कॉज को अपनी कला के साथ मिक्स करके कुछ अच्छा कर सके, सो वो एक्सपीरियंस हमेशा अलग ही रहता है. सो इट वॉज अ फंटास्टिक एक्सपीरियंस, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है. और जब ऐसे आप जाने माने हस्तियों को लेते हो, जैसे अर्चना जी हो या डॉक्टर मुरारका हो, एंड उसमें आप बॉलीवुड थोड़ा मिक्स कर दो, तो वो रिजल्ट सक्सेसफुल होना ही है. जी, सो आज के आज का जो इवेंट है, इट्स ओवर अ चैरिटी कॉज ऑफ कॉल पार्किंसंस. तो जब ये मेरे पास आए और उन्होंने अपना कॉज बताया, तो मुझे ये इतने जेन्युइन लगे कि मैंने इमिजिएटली हाँ बोल दिया. आज मेरा एक और शो था, वो भी मैंने पोस्टपोन कर दिया. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन, और हम जो भी कर सकते हैं इनको हेल्प करने के लिए टू रेज फंड्स फॉर द कॉज, इट्स अगर हम हमारी क्रिएटिविटी शेयर करके, जैसे अमीषा जी ने बोला, और हम फंड्स रेज कर सकते हैं, तो वाई नॉट. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. एंड द कलेक्शन दैट आई शोड टुडे वॉज यू नो an amalgamation. It's about a bride and her journey to making her trousseau, and what we made her wear is a beautiful digital print which a bride can enjoy wearing for maybe one of her functions. And if you're not a bride like me, you can still enjoy. Yes, yes. But the collection was bridal. Yes, and she's still looking lovely. Absolutely. Okay. And causes are close to your heart always, and Parkinson is something. जो आज किसी को भी हो सकता है. आज मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है 10 साल बाद शायद मैं भी स्टेज पे इनमें से एक हूँ. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस टू यू नेक्स्ट. डॉक्टर सिंगल हु हैज गिवन हिज लाइफ ऑलमोस्ट 50 इयर्स ऑफ हिज करियर टू दिस, इट्स अमेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अमीषा जी ने कहा, आई रियली एंडोर्स इट फॉर श्योर, बट हिंदुस्तान की आवाम को अगर समझाना हो, दो ही भाषा है, एक बॉलीवुड, दूसरा ऊपर वाले का डर. आवाम और कोई चीज़ नहीं समझ सकती है, एंड इट्स अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स विच टेक थिंग्स फॉरवर्ड. सिंपल साधारण आदमी हूँ, कोशिश है बिफोर यू लीव द वर्ल्ड ट्राई एंड डू समथिंग फॉर मैनकाइंड, एंड दैट्स ऑल वी ऑल बेसिकली आर डूइंग अबाउट इट. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Madam, pictures lete hain.